आप कैच द न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचटी। नमस्कार, मैं एकता, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, नजर डालते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज पे। ये जो आप देख रहे हैं ये किसी गांव का नजारा नहीं है, ये है राजधानी। जी हाँ, स्मार्ट लखनऊ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन कोई नाले में गिरकर कैसे मुस्कुरा सकता है। स्थानीय लोगों ने विकास ना होने से हताश होकर लकड़ी का पुल बना दिया, लेकिन डर तो साफ दिखाई दे रहा है। पानी का बहाव कितना तेज है कि अगर कोई बच्चा गिर जाए तो पानी का बहाव से बह जाए और मौत का शिकार हो जाए। क्या नगर निगम किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में है? से भी फोन किया कई मर्तबा। इससे पहले योगी सरकार मोदी जी ने जब बहुमत सूत किए थे तो आश्वासन पूरे देशवासियों को ये दिए थे कि गली गली में शौचालय बनाएंगे और हर तरह से खरंजा बसाएंगे। 5 साल इनका गुजर हो गया, 2014 में जब सरकार बनी तब तक आज तक कुछ विकास नहीं हुआ। और जहाँ जहाँ मैं दौरे पर गया पार्टी की तरफ से, कहीं भी कोई दौरा पर हम नहीं देखे शौचालय बने। वर्तमान 2005 में जब सरकार बनी तो ये 32 वार्ड नंबर में एक पुलिया टूटी हुई है, जो कि नगर आयुक्त को मैं 5 मरतबा मैं खुद फ़ोन किया, यहाँ के पार्षद के भी कहे हैं, उसके बाद जोन 3 वाले से भी कहे हैं, आज तक एक पुलिया बना नहीं। ये पुलिया से इतनी नुकसान है कि कोई भी बच्चा जो भी यात्रा इधर से निकलता हो वो दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब ये बहुमत बनाए थे तो मोदी जी ने कैद में बैठ के ये कहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज के समय में बेटी बच रही है, बेटी के साथ बलात्कार की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ये उत्तर प्रदेश में जो बैठे हुए हैं वो कौन सी कानून लागू किए हैं जो पुलिस को इस तरह से छूट दिए हुए हैं? कोई विकास को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी छात्र को एक नौकरियां नहीं दिए हैं, जितने फैक्ट्रिया था वो कर दिए। एक तरफ से आते हैं गौरक्षक के ऊपर, गौरक्षक से विकास नहीं होती है, मुर्गा मछली से विकास नहीं होती है। विकास का रकम पूरे भारत में कहाँ हो रहा है, कहाँ देखा जा रहा है? यहाँ से नीरज बोरा बीजेपी से विधायक होकर आए, कई मरतबा सब जनता यहाँ से बताएं, मुझे अवगत हुआ कि सब मिले भी हैं, कई एप्लीकेशनों से बता रहे दिए भी हैं। तो इसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ये बैठ के क्या तवज्जो कर रहे हैं? जब विधायक विकास नहीं कर रहे हो तत्काल पड़ोस निलंबित करें, जो पार्षद नहीं सुन रहे उनके बस के नहीं हो पार्षद निलंबित करें, निधि से हटाएं। और ये तत्काल इसके ऊपर ये विकास नहीं करेंगे तो इसका मुद्दा मैं जंतर मंतर पर दिल्ली में भी उठाऊँगा। इसलिए झूठा आश्वासन सरकार है, ये केवल झूठा देते रहते हैं। जब से अमित शाह आए हैं NRC के ऊपर पूरे देश में फैलाए हुए हैं। जब अंग्रेज हुकूमत छोड़ के गया था तो पूरे देश में क्या था, टुकड़ों में बटा हुआ था। ये इंदिरा गांधी का दिन था, जो आज आपका बत्ती के बिल मिल रहा है, आज मोबाइल मिल रहा है, आज कंप्यूटर मिल रहा है। अंग्रेज जब छोड़ा था बंटवारा किया था हिंदुस्तान पास क्या बचा था, ये तो कांग्रेस का दिन है। वो तो ये बताते हैं 36 साल में हमने कांग्रेस लूट लिया। अब मोदी जी 36 साल में कांग्रेस ने लूट, 10 साल में आप तो पूरे देश को भीख मंगा कर कटोरा मंगा दिए हैं, पूरे देशवासियों भीख मांग रहा है। उन्नाव में अभी कुछ दिन पहले बेचारा बलात्कार हुआ था इन्हीं बीजेपी के विधायक संगर हत्या राय को, तो उसके विधायक के बाद में 41 दिन के बाद उनको विधायक निधि छीना, संगर को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? यही योगी आदित्यनाथ जी बताएं, ये मोदी जी बताएं, क्या पंडित इस पर नहीं हो रहा है? आज मुसलमान होता फांसी पर चढ़ जाता, ये कौन सा नियम है पार्लियामेंट के अंदर?
मेरे बहुमत में 10 साल रहा, 10 साल में किसी ने इस तरह से कोई जनता देश में परेशान था? का जब से टूटी है घर में सबके पानी भरा रहा था भैया, अब जो है पूरे पूरे कमर के ले के घर में पानी भरा रहा था, सड़क पर सारा पानी भरा था, तो बच्चे तमाम गिर जाते हैं कि इसमें हादसे हो जाते हैं तमाम, और ये पुलिया बनवा दे समझो। नदी के जस्ट बगल में रहते हैं, जितनी हम लोगों को दिक्कत है उतनी किसी को नहीं। आप खुद देख सकते हैं कितनी गंदगी है, आ रहा है पैदल जा रहा है, देखिए इसकी हालत देखिए, पता चला गिर जाए भैया जी तो किसी काहे में नहीं है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, सभी कुछ दिक्कत, सभा सद भी देख गए, सभी लोग देख गए, मगर ये कार्रवाई ये काम नहीं हो पा रहा है। दो बच्चे गिरे, हम लोग अपने हाथों से लगाए, यहाँ पे लकड़ी पल्ली लगाई जाती है, पानी आया बह गया वो भी रास्ता बंद हो जाता है, मौका पड़ता है, बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। ये नाला आज 10 साल हो रहे हैं, इधर देखिए आप फोटो लेके, जब से पढ़ाई है कोई इसमें कोई वो नहीं है। नाम क्या आपका? मेरा नाम रहीम है। रहीम जी, सभासद के पास हम लोग भैया लोग पूरी बस्ती समझ लो एप्लीकेशन दवाम देगी, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्वेश्चन है इसके नाले के बारे में। अरे भाई नाले के लिए बहुत सब गए थे यहाँ पे, नाला बनने के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है, नाला साफ होता है फिर कूड़ा वही में हो जाता है, और नाला बनने के लिए कोई नहीं आ रहा है बनवाने के लिए। फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के भाजपा पार्षद भी कितने जागरूक हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, ये साफ उनका कार्य दिखा रहा है। नगर निगम स्वच्छता पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन स्वच्छता और विकास है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के लोगों ने हंगामा टाइम्स की टीम से बताया सालों से झेल रहे मौत की पुलिया का कहर। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।